सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और भाई आज ना एक ऐसा बॉक्स जो घर आ चुका है और दिल में बहुत खुशी हो रखी है। कल लेके आए थे मैं और आयुष जाके, आज कर रहे हैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग। कल से अब तक हाथ नहीं लगाया था बिकॉज ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप लोगों को दिखानी है अनबॉक्सिंग। तो बस आप लोगों का ही वेट कर रहा था। आज शॉप गया, सुबह से बिजी था, अभी आया हूँ, बस थोड़ा बहुत फ्री हो के तो सोचा यार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ऋतिक को बुला लिया है, आयुष को बुला लिया और अंकित को भी बुला लिया है। अभी अपन करने जा रहे हैं भाई लोगों अनबॉक्सिंग, द बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। जी हाँ, द बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस वो अपने सामने रखा हुआ है, बस आपको दिखाते हैं बहुत जल्दी एक अनबॉक्सिंग अच्छी सी। तो भाई लोगों अब अपन करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग द बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस, जो मेरे को है ना बहुत खुशियाँ देने वाला है। आप लोगों को भी कल को मैं अगर राइड पे जाऊंगा ना, आप लोगों को भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। सुबह व्लॉग शाम को एडिट करके और अगले दिन सुबह आप लोगों को सबको मिल जाया करेगा। तो बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब इसको ओपन करते हैं जल्दी से और आपको दिखाते हैं कि भाई इसमें क्या क्या निकला है। बहुत कुछ निकला है, देखा मैंने भी नहीं है, बस लैपटॉप ओपन किया था वो भी इसके लिए, क्योंकि कुछ डिफेक्ट तो नहीं है लैपटॉप पे, डैमेज तो नहीं है, इसलिए वहाँ जाके चेक किया। और उसके बाद हमने जाके करवाई थी इस पर लेमिनेशन और ग्लास प्रोटेक्टर चढ़वाए थे, वो भी आयुष जबरदस्ती कर रहा था कि नहीं भाई करवा ले। मेरा मन नहीं था, जब वो अपने लैपटॉप पे करवाने लगा तो मेरा भी मन कर गया, मैंने कहा यार आयुष तू सही था भाई। तो फिर मैंने भी अपने लैपटॉप पे करा ली, नहीं तो फिर दोबारा जाना पड़ता कभी, वो पता नहीं कब जाते, जब तक क्या पता लैपटॉप ख़राब भी हो सकता था। तो अपन रिस्क नहीं लेते हैं, थैंक्स फॉर आयुष कि उसने मेरे को अच्छा सजेशन दिया। तो अब अपन करते हैं अनबॉक्सिंग, आओ। भाई लोगों ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं अपने लैपटॉप की। अपने लैपटॉप का नाम है ROG Zephyrus Geo 15। जी हाँ, ये ड्यूअल डिस्प्ले में है, ये उसके ऊपर में लगा हुआ था, बट अपन ने जब करवाई लेमिनेशन तो ये हटाना पड़ा, बट कोई नहीं अभी आपको पूरा दिखाते हैं। अच्छा भाई लोगों ये है अपना लैपटॉप, साइड में रखते हैं और बॉक्स में क्या क्या है वो पहले देखते हैं। भाई इसमें बहुत एक सेक्सी सा ना बैग निकला है जो देख के बहुत प्यार सा हो रहा है इसको, इसकी भी पहले ओपनिंग कर लेते हैं। भाई लोगों बैग बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लग रहा है, कम से कम ना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, तो कम से कम 6000 रुपये का बैग होगा। और इस पर ROG की टैगिंग हो रही है, कितना स्पेस है इसके अंदर, खाली पोलोथिन दी है, कम से कम 1.25 करोड़ रुपये डाल के दे देते। भाई इसमें अपने को स्पेस मिलता है यार लैपटॉप रखने का, साइड में आप अपने गैजेट्स रख सकते हो, साइड में माउस, हेडफोन्स और छोटी मोटी एक्सेसरीज, चार्जर्स और साथ में मोबाइल के चार्जर्स, GoPro के चार्जर्स वगैरह, काफ़ी स्पेस है इसमें। ये अराउंड होगा ज़्यादा नहीं तो 20 लीटर्स कह रहा हूँ। और इसमें यहाँ एक साइड में छोटी सी इधर भी पॉकेट दे रखी है, ये साइड में छोटी सी पॉकेट है, वाटरप्रूफ पॉकेट है, तो ये भी काम आएगी। साइड में मैग्नेटिक, वाओ, इधर में भाई ये देख रहे हो कितनी अच्छी स्ट्रेचिंग की हुई है, यहाँ पर भी एक पॉकेट है, ये भी काफ़ी बड़ी है, बट इन्होंने कुछ डाल के नहीं दिया। कम से कम यार ROG वाले, यार ASUS वाले कम से कम 1.5 लाख रुपये तो डाल के दो यार। और ये भी मैग्नेटिक है आगे से। अब इसको रखते हैं साइड में, निकालते हैं कुछ नया आइटम। इसमें निकला है ये एक बॉक्स, इसकी भी ओपनिंग कर देते हैं जी। एक तो इसमें निकली है जी पावर सॉकेट, इसमें क्या है ये भी खोल के देख लेते हैं। इसमें निकला है भाई वेबकैम, इस वेबकैम की ना क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये 180 का है PS में, बहुत अच्छा है, HD में, फुल ऑन लो लाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। साथ में इसके पीछे लगता है बी टाइप, ये इसमें निकला है लैपटॉप माउंट, इसको आप लैपटॉप पर माउंट कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी चीज़ निकली है इसके अंदर। एक इसमें निकली है बी टाइप केबल, मे बी ये शायद वेबकैम की ही है। ये भाई ASUS का 90W चार्जर, जी हाँ 240V 90W का चार्जर है ये, काफ़ी मजबूत लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज का लग रहा है, बट ये इनपुट है इसका 100x240V और 12 एम्पियर का ही है, 20V आउटपुट है इसका, बहुत हैवी लग रहा है। और इस पर भी ROG की टैगिंग है। इसमें हो सकता है जी वही लाइट वाला माउस जो हम बचपन में देखा करते थे, पापा ये वाला माउस दिलवा दो इसमें लाइट जलती है। तो जी इसको भी ओपन कर लेते हैं जल्दी से। वाह, इसमें निकला है भाई ये माउस,
ये है आसुस का ROG Gladius 2। साथ में इसके निकली डाटा केबल जो इस माउस को वर्क करेगी। USB 2 टाइप बी है, तो इसको भी अपन एक साइड में रखते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं और क्या है साथ जी। अब निकलने वाला है इसमें से बम्प, बोले तो सूतली बम, जी हाँ धमाका जी। इसमें है ROG का डेल्टा RGB क्वाड डैक गेमिंग हेडसेट। वाओ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी दी है। एडिटिंग में कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। फुल साउंड सुनो, कहीं कोई दिक्कत है क्या है तो आप आराम से देख दो। अब अपने को एडिटिंग में ना कहीं कोई दिक्कत आने नहीं वाली है भाई लोगों। इट्स टाइम टू अनबॉक्स। वाओ भाई लोग, इसमें ये बहुत सेक्सी वाला ना आहा नॉइस कैंसिलेशन वाला लग रहा है भाई। ये निकला है इसमें ROG का डेल्टा हेडसेट जी। इसमें भी ROG की ब्रांडिंग है, लोगो है, और इसमें अंदर लाइटिंग भी होती है जी हाँ। साथ में ये भी बी टाइप पोर्ट है इसका, इसमें कोई USB वाला पोर्ट नहीं है। और एक और इसमें पैकेट है इसके अंदर, तो आप इसको ना बी टाइप से USB टाइप भी कर सकते हो, और साथ में अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कहीं भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। दैट्स नाइस। एक इसमें निकली है जी स्ट्रेचिंग वाले एक पैड, उसमें था लेदर वाला पैड, इसमें लेदर वाला पैड है, इसमें स्ट्रेचिंग वाला पैड है। जिस किसी को भी मतलब स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो इसकी बजाय इसे यूज़ कर सकता है जी हाँ। ये चीज़ काफ़ी अच्छी दी है इन्होंने। और साथ में ज़्यादा कुछ नहीं, एक यूज़र मैनुअल निकला है ROG डेल्टा गेमिंग हेडसेट, तो इसका मैनुअल निकला है, इसको अपन बाद में रीड करेंगे। और एक और चीज़ है इसके अंदर, ओ इसके अंदर निकला है एक माइक, तो वो भी अपन लगा के देख लेते हैं भाई लोग। इसमें माइक किधर में लगा, ओ तो भाई ये लग चुका है माइक, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। यू टर्न, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, कहीं भी राइट टर्न हो रहा है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अब करते हैं अपने लैपटॉप की अनबॉक्सिंग जी हाँ। जा रहे हैं भाई लैपटॉप की जी हाँ, आसुस का ज़ाइफ्रस जियो 15। अब करने जा रहे हैं अपन इसकी अनबॉक्सिंग। चलो, ये बहुत अच्छा सा लगा मतलब खोलने में, एक मैग्नेटिक फील हुआ मेरे को। ये मैंने इधर में किया, ये वहाँ से अपना आप ऊपर में हो गया। इस पैकिंग पे मत जाना, ऑलरेडी हमने खोला हुआ था, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ अपन ने इसमें क्या क्या करवाया है बॉक्स के अंदर और क्या क्या है जी। इसमें जी सीरीज नोटबुक PC है, और ये HDMI केबल के लिए है, और ये अभी नया गेम आया है डाइंग लाइट 2, तो ये उसके लिए है। तो ज़्यादा खास कुछ नहीं था इसके अंदर, बस यूज़र मैनुअल है, और जो नया गेम आया है उसकी डाइंग लाइट 2 की प्रमोशन है, और साथ में इसमें रिडीम कोड है जो आपको इसमें गेम फ्री मिल जाएगा। जो 10,000 रुपये का गेम है वो आपको ये लैपटॉप लेने पे फ्री मिल जाएगा जी हाँ। तो अब अपन आगे चलते हैं इसमें जी। ये इसमें निकली है रबड़ पैडिंग जो काम करेगी लैपटॉप को, अगर आप टेबल पर रख के यूज़ कर रहे हो उसमें नीचे लगाने के लिए, कि जिससे आपका जो नीचे कूलिंग फैन है जो अपनी प्रॉपर कूलिंग दे सके। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये लैपटॉप में नीचे की तरफ लग जाएगा, मैं आपको अभी यूज़ करके दिखाऊंगा प्रॉपर। बाकी इसमें अभी कुछ भी नहीं है, तो अपन इसको कर देते हैं वापस से रीपैक। अब अपन बात करते हैं जी इस लैपटॉप्स में कौन कौन से पोर्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर है ये स्पीकर्स, ये है अपना DC-N मेन चार्जर का पॉइंट, यहाँ पे आता है माइक का पॉइंट 3.5 mm, यहाँ आता है हेडफोन का माइक 3.5 mm जैक। पीछे में है जी एक USB पोर्ट 3.1, एक है HDMI और एक है Ethernet LAN का, डायरेक्ट LAN भी कनेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं जी राइट साइड की, तो ये है थंडरबोल्ट C टाइप, आप इधर से भी चार्ज कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव अ मतलब आपके पास चार्जिंग मेन पावर पॉइंट नहीं और आपके पास छोटा चार्जर है, तो आप इसे सी टाइप से थंडरबोल्ट 65 वॉट तक चार्ज कर सकते हो जी हाँ। साथ में दो दिए हुए हैं 3.1 के जैक, USB जैक, जो काफ़ी अच्छी स्पीड आपको दे सकते हैं अपना डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। अब इसको स्टार्ट करते हैं और साथ में आपको दिखाते हैं कि इसका कहाँ और कैसे यूज़ आना है। इसको अपने को रखना है ऐसे, साथ में इस पर लैपटॉप का करेंगे बेस सेट नीचे की तरफ, देन 1, 2, 3। वाओ, ये डिस्प्ले अपना ऊपर आ जाता है। अब इसको ओपन करने जा रहे हैं जी पावर ऑन। मिस्टर अंकित भाई प्लीज़ लाइट बंद कर, ये चीज़ दिखानी है अपन सब भाई लोगों को, सारी लाइटें बंद कर दो भाई। वाओ,
लुक, लोगों ये बताना कि मैंने अगर पैसा डाला है कहीं पर तो वो कैसा लगा आपको, और ये चीज़ आप BM कंप्यूटर से ले सकते हो। संजय पहले सागराज जी, हाँ दे वर वेरी सपोर्टेड, आप एक बार जाके उनसे कॉन्टेक्ट करना और वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई है। इस अगर लैपटॉप की असली कीमत जाननी है ना तो वो है जी 359,999 रुपीज़, टोटल ऑफ अराउंड मतलब ओवरऑल 360,000। तो ये मेरे को बहुत सस्ते में पड़ा, ये मेरे को पड़ा जस्ट एंड ओनली 2,05,000 रुपीज़। और आप ना इसमें एक चीज़ कर सकते हो, आप उनसे बात करना ASUS की तरफ से भी, उनके पर्सनल लोकल फाइनेंसर्स भी होते हैं जो आपके लिए फाइनेंस अवेलेबल कर सकते हैं, जैसे मेरे लिए किया है। मैंने, मेरे पास कैश नहीं था तो मैंने बस छोटा मोटा कैश दिया है अमाउंट, बाकी का मैंने 90% इतना आपको डाल देता हूँ कि 90% मैंने ये EMI पे लिया है। जी हाँ, आप EMI कितनी भी कन्वर्ट करवा सकते हो। मैंने जो करवाई है वो 36 मंथ्स की करवाई है, आप अपने हिसाब से करवा सकते हो। मेरा जितना बजट था मैंने अपने हिसाब से करवाई है, 5,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, ज़्यादा बजट था नहीं भाई लोगों। अब आप लोग ये बताना कि आपको ये अनबॉक्सिंग कैसी लगी। जी हाँ, आपको ज़रूर बताना है कमेंट में, और सब्सक्राइब करना है प्लीज़, अब तो छोटे भाई को सपोर्ट करो यारों। और 2-3 आइटम और हैं जो अपन अपने डेस्कटॉप के लिए लाए हैं, और कुछ काम अपने बहुत ज़्यादा आने वाले, तो चलो आपको वो भी जल्दी से दिखा देते हैं। क्या है, मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड जी, ये है बाय ANT Sports की तरफ से, ये काफ़ी अच्छा है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2,800 रुपीज़ का मिल जाएगा BM पर, और आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई नहीं किया बट मैंने वहीं से लिया है, तो अब आपको इसकी भी अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं। जी ये है पूरा लाइटनिंग कीबोर्ड। जी हाँ, इसके अंदर पूरी लाइटनिंग हो सकती है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, रेनबो, क्रॉक्सी, जैसा आपका मन चाहे आप वैसे ही सेट कर सकते हो अपने लाइट के हिसाब से। आप ब्राइटनेस भी अप कर सकते हो, ब्राइटनेस डाउन कर सकते हो। ये चीज़ मुझे काफ़ी हैवी लगी, मेरे डेल के जो कीबोर्ड है उससे बहुत ज़्यादा हैवी है। ये सीधा आपको USB प्लग करना है और ऑन करना है, और दैट्स ऑल। साथ में इसमें नीचे आपको स्टैंड मिल जाएगा जो आपको लैपटॉप स्टेबल करने में बहुत ही आसान मिलेगा, बहुत अच्छा फील देगा और बहुत मज़ा आने वाला है। ये भी आपको जल्दी से अपने डेस्कटॉप पर फिट करके दिखा देते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं ANT Sports का एक लाइटनिंग माउस। तो ये भी मुझे बहुत सेक्सी लगा, ये मेरे को पड़ा है 1,400 रुपीज़ का। एक वो जो ओनर थे वो खुद ही ये यूज़ कर रहे थे अपने लैपटॉप पे लगा कर, मुझे देखने से ही प्यार हो गया, तो मैंने बोला मैं भैया आप बस इसे पैक कर दो। तो आओ जी इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। जी ये है इसका माउस। जी हाँ, ये इसमें माउस है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और ये साइड में 2 बटन्स हैं, अपर में प्लस एंड माइनस का भी है, स्क्रॉलर भी दिया हुआ है। तो ये अभी यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा, इसमें भी कम से कम 6-7 तरीके की लाइटें हैं। तो ये अपन बहुत जल्दी फिट करके आपको दिखाने वाले हैं। एक और चीज़ है जो मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो भी दिखा दे। जी ये अपन ने लिया है ट्रांसेंड का कार रीडर, ये है 3.1 Gen 1। आई नो 3.2 Gen 2 भी मार्केट में अवेलेबल है, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक 12,000-13,000, और एक कार रीडर में इतना पे करना आई डोंट थिंक सो। मैं थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं झेल लूँगा, बट इतना कॉस्टली नहीं जा सकता। इसकी भी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसमें निकली एक USB केबल, ये विदाउट USB नहीं चल सकता, इसमें डायरेक्ट USB पोर्ट नहीं है, तो आप इसको USB पोर्ट लगा के तभी यूज़ कर सकते हैं। ये अपने को पड़ा है जी ट्रांसेंड कार्ड रीडर, इसमें आप अपना डायरेक्ट माइक्रो SD लगा सकते हो, SDHS लगा सकते हो, और CFB डायरेक्ट लगा सकते हो। यहाँ पे आपको वो केबल लगानी है और डायरेक्ट आप चला सकते हो। जी इसकी स्पीड है 3.1 Gen 1 इज़ लाइक, मतलब आप 45-70 Mbps/s की इससे स्पीड ले सकते हो डाटा ट्रांसफ़र में। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे ये चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, तो ये भी मैंने बाय कर लिया। तो अब अपन करते हैं डेस्कटॉप में लगाते हैं अपना कीबोर्ड माउस, और आपको दिखाते हैं कि क्या लग रहा है। लगाने के बाद जो फील आ रहा है ना, मतलब अलग ही हटके, कंप्यूटर चलाने का अलग ही, डेस्कटॉप चलाने का अलग ही स्वाद सा आने लग गया है। आओ आपको भी दिखा देते हैं।
पहले मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ, फिर आपको लाइट बंद करके सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाऊंगा। इसमें लाइट्स दिख रही हो यार, मतलब क्या सेक्सी लाइट जल रही है यार, मतलब अमेजिंग करते जी इसकी। अब आपको अभी इसमें लाइट दिख नहीं रही होगी, तो यहाँ से अपन इसका मोड कर देते हैं चेंज लुक। अब आपको मैं दिखाता हूँ लाइट बंद करके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। तो भाई लोगों कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और तो और साथ में ऋतिक भी है, आयुष भी है, अंकित भी है, तो सबको मज़ा आ रहा है। आओ मैं आपको उन सबसे बात करवा देता हूँ, इनसे लेते हैं जेन्युइन रिव्यू कि इनको कैसा लग रहा है। तो आयुष भाई आपको कैसा फील हो रहा है लैपटॉप और कीबोर्ड से? बढ़िया, मज़ा आ रहा है चलाने में, डेस्कटॉप वगैरह सारी चीज़ें बहुत बढ़िया। और लैपटॉप कैसा लगा भाई? लैपटॉप तो उसकी तो अपन बोल ही नहीं सकते कैसा लगा। ओह ये अमेजिंग, एक नंबर, बढ़िया, एकदम बढ़िया। होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी इस चैनल पर नया है ना प्लीज़ से भाइयों सब्सक्राइब करना। आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो इतना तो आपका बनता है कि एक सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस देख सकते हो। तो तब तक के लिए चाहता हूँ इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।